अरे डिस्टेंस हो, थोड़ा डिस्टेंस है, मनोज जाए सामने जाए, यहीं खड़ा हो जाए तू, यही फोटो लगेगा बॉस, थोड़ा सा इधर आवा महावीर बॉस। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय खुशी राम जी के आह्वान पर पूरे राजस्थान में काले मास्क बांधकर नर्सेज काम करेगी। नर्सेज की एक ही मांग है कि केंद्र के समान हमारा पदनाम किया जाए। जब हमसे पे ग्रेड वाले ग्राम सेवकों को ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया, तो नर्सेज को नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनाने में राजस्थान सरकार को कहाँ दिक्कत आ रही है। और दूसरी ओर राजस्थान सरकार ने जब सभी विभागों में जो नियुक्तियाँ दी है उनकी वर्तमान कोरोना महामारी में नियुक्तियाँ हो रही है, तो राजस्थान में जो 9000 पदों पर नर्सिंग की नियुक्ति दी गई है उनमें ऐसी दिक्कत कहाँ आ रही है कि आपने 3000 को जॉइनिंग दे दी और 5000 को जॉइनिंग नहीं दी। 5000 वो कर्मचारी है जो संविदा पर कार्य रहते हैं। राजस्थान सरकार ने एक लाइन डाली है कि संविदा कर्मी उसी योजना में काम करेंगे, चाहे NRHM हो, चाहे UTB हो, चाहे 108 हो और चाहे विभिन्न योजनाओं में काम कर रहे हो, मगर उनको दिक्कत ये आ रही है कि जिस विभाग में जिस योजना में वो काम कर रहे हैं, जैसे आज हम 2500 के लगभग UTB पे काम कर रहे हैं, मगर उनको ना तो UTB की सैलरी दी जा रही और ना परमानेंट माना जा रहा। जब वो UTB की सैलरी के लिए अपने विभाग में जाते हैं तो UTB विभाग कहता है कि आप परमानेंट हो चुके हो, और परमानेंट वाले विभाग में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप अभी UTB पे हो। तो हम राजस्थान सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हम है क्या, हम परमानेंट हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे। माननीय मंत्री जी को हम बार बार आग्रह कर चुके हैं कि आप हमारी एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी जाए कि जब 9000 पदों की नियुक्ति तिथि 29 अप्रैल थी तो हमारी नियुक्ति तिथि क्या मानी जाएगी, और हमें ये बता दिया जाए कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या परमानेंट। मैं मनोज मीणा, प्रदेश संयोजक, राजस्थान संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन। नर्सेज की ज्वलंत और लंबित समस्याओं के लिए नर्सेज के द्वारा विगत 3 वर्ष से संघर्ष किया जा रहा है। राजस्थान सरकार से हम अपील करते हैं कि नर्सेज की समस्याओं को निराकरण करके नर्सेज को निजात प्रदान करें। नर्सेज को एक तरफ तो प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जाती है और प्रोत्साहन किया जाता है और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान दिया जाता है, दूसरी तरफ नर्सेज का पदनाम केंद्र के अनुसार नहीं किए जाने से अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के बाद से ही नर्सेज में गहरा रोष है। और आज हम काली पट्टी बांधकर, काले मास्क लगाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं और मरीजों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम हमारी सेवा में कहीं भी किसी भी तरह की हड़ताल या कार्य बहिष्कार जैसा कदम नहीं उठाएंगे। नर्सेज की प्रमुख समस्या केंद्र के समान पदनाम, डेट ऑफ जॉइनिंग 29 अप्रैल, जो 2018 सीधी भर्ती नर्सेज सीधी भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हैं जिनके 28 अप्रैल को नियुक्ति जारी की गई थी, जिसमें 29 अप्रैल डेट ऑफ जॉइनिंग मानी जाए, क्योंकि वो लगातार अपनी सेवाएं कोरोना जैसे विकट संक्रमण काल में दे रहे हैं। तीसरी मांग नर्सेज की है NHM पर लगे हुए संविदा नर्सेज ANM की सैलरी 18,500 और GNM की सैलरी 26,500 की जाए और समयबद्ध पदोन्नति की जाए। यदि राजस्थान में नर्सेज की मांग पर विचार राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया तो नर्सेज आगामी मंगलवार से संभाग वाइज भूखे रहकर मरीजों की सेवा करेंगे और गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। खुशीराम मीणा, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन।